ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात करने जा रहे हैं भारतीय थल सेना के बारे में, जिसके बारे में हमें इस वक्त जानकारी देने के लिए स्टूडियो में जुड़ चुके हैं कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर एमपी सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। सर, आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि अगर मैं भारतीय थल सेना की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसके जरिए हम भारतीय थल सेना का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को एनडीए और सीडीएस के बारे में ही जानकारी होती है। लेकिन आपको क्या लगता है सर, लोगों को शुरुआत, बच्चों को खास करके शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? सबसे पहले तो मेरा जय हिंद आपके सभी दर्शकों तक, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आप ये प्रोग्राम एयर कर रहे हैं जिसमें कि आप थल सेना और बाकी जो भी जी इंडियन डिफेंस फोर्सेस की ब्रांचेस हैं, नेवी एंड एयरफोर्स, उनके बारे में उनको बता रहे हैं। आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड कि ये चीज़ें आप कर रहे हैं। अभी आपकी बात सही है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं एनडीए या आईएमए के बारे में जानते हैं, तो एक्चुअली में बहुत और ऑप्शंस भी आजकल अवेलेबल हैं जिसमें एक 12th पास से लेकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी वैकेंसीज आजकल इंडियन डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में निकल रही हैं। जी तो अगर हम बात करें एक स्टूडेंट जो 11th और 12th में पढ़ रहा है और वो ज्वाइन करना चाहता है, तो ऑब्वियसली द ट्रेडिशनल ऑप्शन ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड है, वो तो है ही। और उसका प्रोसीजर है यूपीएससी रिटर्न एग्जाम, जो कि साल में 2 बार होता है, जी अर्ली इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड सितंबर, अर्ली अक्टूबर। एंड इसमें जो 12th के बच्चे हैं वो भी अपीयर करते हैं, और इसमें 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश का, जनरल स्टडीज का और मैथ्स। तो जी इसमें जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th में पीसीएम वगैरह लिया होता है, मैथ्स लिया होता है, तो उनको थोड़ा इजी रहता है, और बाकी जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कई बार मैंने ये देखा कि जो ह्यूमैनिटीज लेते हैं बच्चे, वो सोचते हैं हम एनडीए का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि उसमें मैथ्स का पेपर है। हाँ, बात सही है, उसमें मैथ्स का पेपर है, बट आप अपने से मैथ्स तैयार करके, आप ह्यूमैनिटीज के भी स्टूडेंट अगर हो, आप उसको दे सकते हैं। उसके अलावा जी एक बहुत अच्छा एंट्री आर्मी ने इंट्रोड्यूस किया कुछ साल पहले, जिसको बोलते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसको 10+2 टेक के नाम से जाना जाता है, TES। टी एस जी उसमें आपका पीसीएम है, आपका स्कोर अच्छा है पीसीएम में, वो एडवर्टाइज करते हैं 12th के रिजल्ट के बाद, तो यू डोंट हैव टू अपीयर इन एनी रिटन एग्जाम, यू आर स्ट्रेट अवे कॉल्ड फॉर SSB इंटरव्यू। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, जैसे 12th के बाद बच्चे IIT का एग्जाम देते हैं, उसी प्रकार आप अगर अप्लाई करें 12th के रिजल्ट के बाद, तो जी आपको ये टेक्निकल एंट्री स्कीम, और इसमें फायदा ये है कि आर्मी में आप जब पास हो जाते हैं SSB में और मेडिकल क्लियर हो जाता है, जी तो आप बाद जब अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो इंजीनियरिंग जो है आर्मी अपने खर्चे पे आपको करवाती है, साथ साथ ट्रेनिंग होती है, साथ साथ आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, और आप ऑफिसर बन जाते हैं और इंजीनियर भी बन जाते हैं। तो जो मेरे छोटे भाई बहन डिफेंस जी फोर्सेस में एज ए इंजीनियर, जिनको इंजीनियरिंग का शौक है, वो इंजीनियरिंग का शौक भी पूरा करें और देश की सेवा भी करें डिफेंस सर, ये भी देखा फोर्सेस जाता में। है ये सर, तो ये भी देखने को मिलता है कि अगर एक बार में कोई एनडीए अगर निकाल नहीं पाता है या फिर सीडीएस निकाल नहीं पाता है तो वो हताश हो जाता है। लेकिन क्या ये मैसेज आज ज़रूर जाना चाहिए कि केवल एक ऑप्शन नहीं है, ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जो कि भारतीय सेना में खुले हुए हैं और एक में नहीं तो हम किसी और में भी ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अगर आप एक बार जाते हैं, आपसे नहीं हुआ बात, हुआ क्वालिफाई, तो डोंट वरी, यू ट्राई अगेन, अपने आप को और तैयार करिए जी और अपने आप को उस चीज में ढालिए जो वो चीज चाह रहे हैं। अगर आपको नहीं जानते हैं तो आजकल यूट्यूब में इतने सारे गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, या प्लेसेस हैं वेयर ऑफिसर्स डू कीप गाइडिंग, तो वो करिए, एक छोड़िए मत। अगर आपने सोच लिया है तो आप पहुंच जाएंगे। अगर वो नहीं, तो 12th के बाद हमारे पास क्या विकल्प है, गो फॉर ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग। जी जनरली बच्चे या ग्रेजुएशन करते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एलएलबी, या फिर इंजीनियरिंग की तरफ चले जाते हैं। दोनों फील्ड्स में भी आर्मी फिर दोबारा आपको ऑप्शन देती है आफ्टर ग्रेजुएशन, और बेस्ट पार्ट यह है कि आप बताना चाहूँ गर्ल्स के लिए भी वैकेंसीज हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, और बहुत लार्ज नंबर में गर्ल्स आ रही हैं। बिकॉज मैं अभी मेंटरिंग करता हूँ स्टूडेंट्स की, तो मेरे पास भी इतनी गर्ल्स इतने जोश में आती हैं कि सर हम डिफेंस फोर्स में करना चाहते हैं। गर्ल्स की ऑप्शंस आज की डेट में ग्रेजुएशन के बाद है इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग। इसमें मैं आपको 2 मिनट में ये बताना चाहूंगा, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग साइड में, जो नॉन इंजीनियरिंग साइड है, नॉन टेक्निकल आर्म्स उसको बोलते हैं, OTA, जी दैट इज ऑफिसर अकेडमी चेन्नई, एंड इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, इन दोनों की वैकेंसीज निकलती हैं। देहरादून, आईएमए देहरादून के कोर्सेज जनवरी और जुलाई में शुरू होते हैं,
और तकरीबन 8-10 महीने पहले इनको यूपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना पड़ता है. जी फर्स्ट लेवल इज यूपीएससी एंट्रेंस जी एग्जाम, सेकंड लेवल इज 5 days ऑफ SSB, एंड थर्ड लेवल इज द मेडिकल, एंड ऑफ कोर्स फाइनली द मेरिट लिस्ट. एंड जो ओटीए चेन्नई में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाना चाहते हैं उनका भी सेम पैटर्न है. तो उसका दे हैव टू फिल द चॉइस. द एंट्रेंस एग्जाम में ओनली डिफरेंस इज इन IMA देयर इज एक्स्ट्रा पेपर ऑफ मैथ्स एंड जनरल नॉलेज, एंड इन ओटीए द मैथ्स पेपर इज नॉट देयर, इट इज ओनली जनरल स्टडीज एंड इंग्लिश. दीज आर द चांसेस फॉर नॉन टेक्निकल आर्म्स. सर, अगर अभी अगर बात हाँ एसएससी वुमेन्स की करें, आप कह रहे थे कि महिलाओं को एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, तो इस बारे में भी थोड़ी जानकारी हमें दीजिए सर। बिल्कुल, इसके बारे में बताना चाहूंगा. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में वेमेन की वैकेंसीज निकल रही हैं बॉयज के साथ साथ. दे एडवर्टाइज एंड हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर. मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली पर ईयर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इज टेकिंग अप टू 70-80 वुमेन ऑफिसर्स इन ओटीए एंड इन इक्विवेलेंट ट्रेनिंग अकेडमीज ऑफ जी एयरफोर्स एंड नेवी. नाउ इसमें भी दोनों एंट्रीज अवेलेबल हैं, वुमेन फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, बोथ वैकेंसीज आए. और लास्ट एक चीज और, एनसीसी एंट्री स्कीम भी एक बहुत, आजकल के हजारों लाखों बच्चे हमारे एनसीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने जो स्कीम दी है, जिन्होंने सी सर्टिफिकेट एनसीसी का कर लिया है, दे आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द रिटन एग्जाम. उनके लिए अलग वैकेंसीज निकल रही हैं, ऑलमोस्ट 40-50 वैकेंसीज एवरी 6 months फॉर आर्मी एंड इक्विवेलेंट नेवी एंड एयरफोर्स, एंड दे कैन अप्लाई, जस्ट अप्लाई एंड गो स्ट्रेट फॉर द इंटरव्यू, दैट इज SSB. और सर, ये टेरिटोरियल आर्मी भी एक बहुत बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हालांकि हम कह सकते हैं कि उनका जो जवान जो ऑफिसर्स होते हैं उनको एक बहुत ही खास समय के लिए रखा जाता है, लेकिन ये भी एक एंट्री का बहुत ही अच्छा माध्यम है। हाँ, और इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अदर स्पेशलाइजेशंस लाइक लॉ, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अलग वैकेंसी निकल रही हैं. आर्मी का जो लॉ ब्रांच है जिसको कि जैक ब्रांच बोलते हैं, उनके लिए भी सीट्स निकल रही हैं. जो बच्चे LLB कर रहे हैं, सो वो परेशान ना हो कि हम LLB ब्रांच में आए, आर्मी हैज गॉट सीट्स स्पेशली फॉर देम एंड एवरी 6 months देयर सीट्स आर ऑल्सो एडवर्टाइज्ड. ये भी देखने को मिलता है सर कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि कैसे फॉलोअप कैसे किया जाए, क्या सही समय होता है, कि कैसे अप्लाई करना चाहिए और किस वेबसाइट पर पूरी जानकारी अवेलेबल होती है। यस, सो इसमें आजकल पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन हो गया है, इंक्लूडिंग फिलिंग ऑफ द यूपीएससी फॉर्म्स. तो यूपीएससी फॉर्म्स जो हैं वो तो यूपीएससी की साइट पे है. उसके अलावा ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट निक डॉट इन, आई रिपीट, ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट निक डॉट इन की वेबसाइट है. इनके ऊपर भी ऑनलाइन लिंक्स आ जाते हैं जब एडवर्टाइजमेंट्स निकलती हैं, और इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं. एवरीथिंग इज ऑनलाइन, यू डोंट हैव टू फिल एनी पेन एंड पेपर लिंक, एंड द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड. उसके बाद जो कॉल लेटर्स हैं वो भी आजकल ऑनलाइन इशू हो रहे हैं, एवरीबडी कैन सी द रिजल्ट ऑनलाइन एंड द कॉल लेटर्स आर देयर. अभी बात करते हैं कि तैयारी कैसे की जाए, बिकॉज आई थिंक जो बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो यूथ, उनको काफी ये जानना रहता है कि हम कैसे तैयारी करें. तो शायद उसके बारे में बताऊं मैं. सर, बहुत ही शॉर्ट में हमें इस बारे में जानकारी दीजिए कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। इसको हम दो हिस्सों में अपनी तैयारी को बांटे. पहली तो हम तैयारी रखें जो रिटन एग्जाम का एक बहुत बड़ा फिल्टर है, जिसमें कि 3 से 4 लाख बच्चे बैठते हैं रिटन एग्जाम में और 15 से 20 हजार क्वालिफाई करते हैं. तो उसके लिए रिटन एग्जाम के लिए सिलेबस इज अवेलेबल ऑन द यूपीएससी वेबसाइट. आप जस्ट क्लिक करें CDS सिलेबस या NDS सिलेबस, उस सिलेबस को डाउनलोड करें एंड उसके ऊपर आप टॉपिक्स देखें. इट इज वेरी वेरी इजी टू डू इट. अपने आप से भी आप तैयारी कर सकते हैं. अदरवाइज मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, कई कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप जाके, अगर आप खुद से तैयारी नहीं कर पाते तो करिए. बट मैं एक चीज बताऊंगा, फर्स्ट स्टेप आपको सिलेबस जरूर डाउनलोड करके उसको देखना चाहिए. काफी चीजें आप ऐसे देखेंगे कि आपने पढ़ी होती हैं 10th में 11th में 12th में, और जी आप उससे आप फेमिलियर होते हैं, आप तैयारी कर सकते चलिए, बहुत काफ़ी अहम जानकारी सर आपने दी है इस समय। और एक बात तो ज़रूर, कम से कम जो इस वक्त बच्चे हमें सुन रहे होंगे उन्हें एक बात समझ में आ गई होगी कि भारतीय थल सेना की एक खासियत है कि बहुत सारे विकल्प हमारे पास खुले हुए हैं, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही ये भी देखना है कि कौन सा विकल्प आपके लिए काफ़ी बेहतर है। NDA, CDS और TES यानी कि टेक्निकल डिपार्टमेंट, जो भी इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक माध्यम है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अहम जानकारी के लिए।